जय हिंद दोस्तों, हम कर रहे हैं आपके कक्षा 8वीं गणित विषय का 11वां अध्याय जो कि क्षेत्रमिति जिसको मेंसुरेशन कहते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 11.1 के 1 से लेकर के तीसरे प्रश्न तक को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझे, सीखे और हल किए थे। इस वीडियो में हम चौथे प्रश्न को करने जा रहे हैं। सभी प्रश्न आपको हमारी प्लेलिस्ट में बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हल किए हुए मिल जाएंगे, वहाँ पर आप बिल्कुल फ्री में इनको देख सकते हैं। तो चौथा प्रश्न बच्चों हमें ये कह रहा है कि फर्श बनाने के लिए, ठीक है, फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समांतर चतुर्भुज का है। ठीक है, पहले बात को समझना। मान लो जैसे ये अपने पास क्या है, एक फर्श है, समझ में आई बात, एक फर्श या आंगन है मान लो। ठीक है, ये अपने पास क्या, एक फर्श है। ठीक है, बात को समझना, ये फर्श है यानी इतनी एक जगह है। तो इसमें क्या बोला गया है कि इस फर्श को बनाने के लिए एक टाइल का यूज किया जा रहा है, ठीक है, जो कि किस आकार का है, ठीक है, जो कि समांतर चतुर्भुज का है। इस प्रकार से देखो, इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज के आकार के क्या है बच्चों, टाइल इसके ऊपर में लगी हुई है। बात समझ में आई। उसके बाद क्या कह रहा है कि जिसका आधार, ठीक है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई क्या बोला है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखो इससे, ठीक है, अगर मान लो ये समांतर चतुर्भुज के आकार का है तो ये तो इसका क्या होगा, शीर्ष लंब यानी कि ऊंचाई एच कहलाएगा, और जिस पर ये लंब डाला जाता है उसको हम कहते हैं आधार यानी कि बेस। बी हमारा आधार होता है और एच क्या होता है बच्चों, ऊंचाई होती है। ठीक है, तो हमें आधार और ऊंचाई इस एक टाइल का दिया हुआ है। बात समझ में आई। और उसके बाद हमें क्या कह रहा है कि 10,080 वर्ग मीटर, ठीक है, क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितने टाइलों की आवश्यकता है। तो क्वेश्चन को पहले फिर से एक बार ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि इतना बड़ा अपने पास में क्या है बच्चों, इतना बड़ा अपने पास एक फर्श दिया है, समझ में आई बात। और इस फर्श में हमें छोटी छोटी टाइलें लगानी है जो कि किस शेप में है, जो कि अपने पास एक, ठीक है, पैरेललोग्राम के शेप में है, एक समांतर चतुर्भुज के शेप में है। क्लियर बात। अब इस एक, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, के आकार की टाइल का हमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। बी फॉर बेस होता है जिसको आधार कहते हैं और एच फॉर हाइट यानी ऊंचाई होती है। तो ऊंचाई हमें दे रखा है बच्चों 10 सेंटीमीटर और आधार दे रखा है 24 सेंटीमीटर। क्लियर बात। इस एक टाइल का, ये एक टाइल है अपने पास, समझ में आई। बस ये एक टाइल की ऊंचाई और आधार दिया है। क्लियर। और हमें ये पूछा है कि इस पूरे फर्श का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 1,080 वर्ग मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर है। तो इस फर्श को तैयार करने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए इसके ऊपर में कितनी टाइलें क्या करनी पड़ेगी, लगानी है। इन टाइलों की संख्या हमें क्या करना पड़ेगा, ज्ञात करना पड़ेगा, समझ में आई बात। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखो ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो हम सेंटीमीटर में निकाल कर इसको मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है, और एक टाइल के क्षेत्रफल को हम भाग देंगे इस पूरे के क्षेत्रफल के साथ, तो अपने पास क्या आ जाएगा, टाइलों की संख्या जाएगी। क्लियर बात। तो अब हम करते हैं बच्चों इसको हल, कि हमें हल किस प्रकार से करना है, ठीक है। चलो, तो यहां पर जो है, जो हमें प्रश्न में दिया है हम उसको लिखेंगे, ठीक है, जो प्रश्न में अपने को गिवन है या फिर दिया है, ठीक है। तो हमें क्या दिया है, एक टाइल का, ठीक है, एक टाइल, ठीक है, किसी एक टाइल, टाइल का आधार हमें दिया हुआ है, ठीक है। आधार कितना दिया हुआ है, बेस कितना दिया है बताओ बच्चों, तो बेस दिया है अपने को 24 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार यानी बी हमें कितना दिया है, इसको हम बी कहेंगे बच्चों, ठीक है, बी कहेंगे। आधार हमें 24 सेंटीमीटर दे रखा है। इसके अलावा जो ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई जिसको हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं, ये कितना दिया हुआ है बच्चों, ये दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम निकालेंगे एक टाइल का, ठीक है, एक टाइल का, यहाँ पर टाइल लिख देते हैं, एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक टाइल का क्षेत्रफल। बिल्कुल आसान है, बस ध्यान से समझिए इनको, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में कैसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ अ टाइल, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर एक टाइल का क्षेत्रफल, अब ये जो टाइल है ध्यान दो, ये जो एक टाइल है ये किस शेप में है, ये है अपने पास बच्चों समांतर चतुर्भुज के रूप में, ठीक है, जिसकी आमने सामने की भुजाएँ बराबर और समांतर होती है यानी पैरेलल होती है, ठीक है। इसकी हमें ऊंचाई यानी एच दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये अपने पास क्या है, बेस है यानी आधार, कितना दिया है 24 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। वैसे ये डायग्राम में थोड़ा और बड़ा होगा। चलो, तो एक टाइल का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, टाइल समांतर चतुर्भुज के आकार में है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों बेस इंटू हाइट यानी आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो बी कितना है अपने पास में 24 है, और एच कितना है
10 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आई बात। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को हम चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में, तो थोड़ा बात को ध्यान दो, जब हम सेंटीमीटर को चेंज करते हैं बच्चों मीटर में, तो हम इसको 100 से भाग देते हैं, किससे देते हैं 100 से, लेकिन हमें किसको चेंज करना है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हमें इसका भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा 100 का, तो 100 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए 10,000 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, कब, जब हम इसको 10,000 से भाग देंगे। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, अब तीन जीरो बच गया, तो तीन अंक के बाद पॉइंट ले गया, तो कितना हो जाएगा, देखो 0.024, ठीक है, मीटर स्क्वायर, यानी एक टाइल का क्षेत्रफल कितना आया बच्चों, एक टाइल का क्षेत्रफल आया अपने पास में 0.024 मीटर स्क्वायर, क्लियर बात। हमें क्या ज्ञात करना है, टाइलों की संख्या। तो मैंने आपको बताया कि हम एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे और फर्श के क्षेत्रफल को एक टाइल के क्षेत्रफल से विभाजित कर देंगे, कैसे करेंगे ध्यान दो। तो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है टाइलों की संख्या, ठीक है, टाइलों की संख्या यानी नंबर ऑफ टाइल्स, समझ में आई बात, टोटल नंबर ऑफ टाइल्स या टाइलों की संख्या हम लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो इसको हम इस प्रकार से करेंगे, यानी फर्श का जो क्षेत्रफल होगा, फर्श के क्षेत्रफल को हम भाग दे देंगे किससे, एक टाइल के क्षेत्रफल से, ठीक है, एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी एरिया ऑफ अ टाइल, ठीक है, एक टाइल के क्षेत्रफल से हम दे देंगे भाग। तो देखो फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 1080 मीटर स्क्वायर, और एक टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 0.24 मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बात को समझो, यहाँ पर देखो ये सॉरी ये 0.024 है, ठीक है, तो इनको करते हैं हम हल। तो ध्यान से समझो, यहाँ पर कितना है, 1080 है, ठीक है। अब नीचे से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक के बाद कितने जीरो लगेंगे, 1, 2, 3, क्योंकि पॉइंट के बाद तीन अंक थे, नीचे में खाली कितना बच जाएगा बच्चों, 24 बच जाएगा, क्लियर बात। चलो तो यहाँ पर जब मैं 24 को, ठीक है, 24 को हम काटेंगे किससे, 108 से, इसको काटते हैं देखो, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, 108 बट्टा कितना हो जाएगा, 24, और इधर हम क्या कर देंगे इसको ऐसे 10 × 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि जब 10 की गुणा 108 से करेंगे तो 1080 आएगा। अब देखो इसको काटते हैं हम, किसके पहाड़े से कट रहा है बताओ मुझे बच्चों, तो ये अपने पास में इसको काटते हैं 6 के पहाड़े से, तो 6 × 4 = 24, 4 बार में कट गया, ठीक है, देखो 6 × 6, ठीक है, यहाँ पर कितना बच गया, यहाँ पर बच गया 4, 48 हो गया, फिर उसके बाद में 6 × 8 = 48, फिर इसको 2 के पहाड़े में काटो, तो ये कितनी बार में कट रहा है, ये कट रहा है बच्चों अपने पास में 2 बार में, और ये कट रहा है 9 बार में, क्लियर। अब देखो जब हम, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो 2 × 1 = 2, 2 × 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास कितना बच गया, 9 × 5 × कितना बच गया, 1, 2, 3, ठीक है, यानी 1000 बच गया। अब इसको जो है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस चीज़ को, ठीक है, ध्यान दो, तो 9 × 5 कितना हो जाएगा बच्चों, 45, और 45 की गुणा हम किससे करेंगे, 1000 से करेंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। तो हमें कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी इस पूरे फर्श को बनाने के लिए, 45,000 टाइलों की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस फर्श को बनाने के लिए, इस फर्श को ढकने के लिए, बनाने के लिए कह दो, ठीक है, कितनी टाइलों की आवश्यकता है, यहाँ पर हम लाइन लिख सकते हैं, अतः, ठीक है, अतः फर्श को, ठीक है, फर्श को ढकने के लिए या ढकने हेतु, ढकने के लिए, ठीक है, ढकने के लिए कितनी टाइलें चाहिए, ढकने के लिए 45,000, ठीक है, 45,000 टाइलों की, ठीक है, टाइलों की आवश्यकता है, ठीक है, आवश्यकता है या आवश्यकता होगी, आवश्यकता है, क्लियर बात बच्चों। तो ये हमारा प्रश्नावली 11.1 का चौथा प्रश्न क्या होता है, समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले प्रश्न के साथ, धन्यवाद।